हम लोग ना आज की क्लास में करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का आपने बहुत ही सिंपल वाला क्वेश्चन कर रखा होता है, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। सिस ट्रांस याद है, ये वाली आपने करी थी। जैसे सी डबल बॉन्ड सी लगा हुआ होता था, H3 सो हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। हमने ना स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कंप्लीट कर ली, जिसमें रिंग चेन, टॉटोमेरिज्म, फंक्शनल मेटामेरिज्म, चेन पोजिशन आइसोमेरिज्म, ये सारी चीजें हमने कवर करी। ठीक है, तो ये अपना कवर हो गया। अब नेक्स्ट होता है स्टेरियो आइसोमेरिज्म, और मतलब ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम लोग पढ़ते हैं इसके अंदर। ठीक है, सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हम लोग क्या पढ़ते हैं, सी और सी, मतलब अलग अलग इसके टाइप्स होते हैं। सबसे सिंपलेस्ट जो आपने एनसीईआरटी या स्कूल लेवल के अंदर कवर कर रखा होगा कि डबल बॉन्ड होता है, और उसके डबल बॉन्ड होने के बाद, जैसे सी और सी के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इनसे चार ग्रुप्स कनेक्टेड होते हैं, और उसके बेसिस पे हम लोग बोलते हैं सिस और ट्रांस। कोई मुझे बता सकता है कि यहाँ पर दोनों सिमिलर ग्रुप सेम साइड है तो इसको क्या बोलेंगे, सिस की ट्रांस, मैम सिस इसको बोलते हैं सिस। वेरी गुड। और इसमें ऑपोजिट साइड, ट्रांस तो इसको कहते हैं ट्रांस। तो आपने ना बच्चों सिस और ट्रांस पढ़ रखा है स्कूल में, आई एम प्रिटी श्योर अबाउट इट, ये आपको ऑलरेडी आता ही था। अब इसी के अंदर ना और आगे कॉम्प्लेक्सिटीज हम लोग आगे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता क्या है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, एंड देन इसके डिफरेंट टाइप्स हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, कौन कौन आ गए, भावना एंड मुस्कान आर है, ओके। सो भावना मुस्कान, बच्चे हम लोग आपकी वेट कर रहे थे, और अब हम लोग लेक्चर शुरू कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। ये इट अराइजेस बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड के अराउंड ना, डबल बॉन्ड के अराउंड, डबल बॉन्ड में जो है ना रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। इसका मतलब क्या है कि मैंने बोला कि डबल बॉन्ड के अराउंड रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब क्या है, कि जैसे सी और सी के बीच में डबल बॉन्ड है, और इनसे ना कुछ ग्रुप कनेक्टेड है, ए बी, सॉरी सी नहीं लिख सकते, ई कर देते हैं, ए बी डी। अच्छा, देखो ये सी और सी के बीच में बच्चों डबल बॉन्ड है। अब जब सी और सी के बीच में डबल बॉन्ड है, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है इनमें से एक बॉन्ड सिग्मा है और दूसरा बॉन्ड पाई है, करेक्ट, ऐसे करके है। और सिग्मा में तो होता है लीनियर ओवरलैप, है ना, ऐसा कार्बन का ऐसा पी वाला आया और इस वाले कार्बन का ऐसा पी वाला आया, और उन्होंने ऐसा लीनियर ओवरलैप कर लिया। ठीक है, सिग्मा में तो ये होता है, और पाई में होता है ऐसा साइडवेज वाला ओवरलैप, है ना, ऐसा ही होता है, करेक्ट है। सिग्मा और पाई हमने ऐसे ही सीखा था, है ना, ओके। अब हुआ क्या, ये जो बॉन्ड है ना, ऐसा जो जो डबल बॉन्ड है, पैर नीचे वाला सिग्मा मान लो, ऊपर वाला पाई मान, इनके अराउंड ना हम रोटेशन नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर एक है, मतलब आई डोंट हैव ऐसे इतने सारे वो, कि अगर मैं इनके अराउंड जो है रोटेट करूंगी ना बच्चों, सो व्हाट विल हैपन इज बॉन्ड वो जो है टूट जाएगा, मतलब ये जो है स्ट्रक्चर ही पूरा का पूरा टूट जाएगा। इनके अलोंग रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है, बिकॉज ऐसे मैंने अगर इसको रोटेट करूंगी, जो ये साइडवेज वाला है, जो ऐसे ऊपर से ऐसे करके जुड़ा हुआ है, जो ये पाई बॉन्ड है, इसका मतलब साइडवेज ओवरलैपिंग होती है पाई की, तो वो टूट जाता है। तो इसके अलोंग हम लोग रोटेट नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अलोंग हम रोटेट नहीं कर सकते हैं, तो फिर हमारे ना इसके डिफरेंट आइसोमर्स हैं, ये और ये आपस में इंटरचेंजेबल नहीं है, ये एकदम सेपरेट है, ये एकदम सेपरेट है। ठीक है, मतलब आप ऐसे समझो कि
कि अगर ये वाला जो कार्बन है ना जिस पर मेरा कर्सर है, अगर मैं इसको रेटोएट करूं, मेरा मन किया इसको ऐसा करके घुमाऊं जिससे कि ये बन जाए, इधर मिथाइल एच एज इट इज रहेगा, ये मिथाइल नीचे आ जाए और एच ऊपर चला जाए, ये बन जाए। पर अगर मैं ऐसे करके इसको रोटेट करना चाहूंगी ना जिसपे मेरा कर्सर है, उस वाले को ऐसा उल्टा सा 180 डिग्री रोटेट करना चाहूंगी, तो वो टूट ही जाएगा, वो इसमें कन्वर्ट ही नहीं होगा। तो इसका मतलब ये और ये, मतलब लेट्स कॉल दिस ए एंड लेट्स कॉल दिस बी, तो ये दोनों कंपाउंड्स ए और बी कम्प्लीटली डिफरेंट है, कम्प्लीटली सेपरेट है, इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, उसको हमें अलग अलग स्टडी करना होता है। अंडरस्टूड? ओके। सो इनको हम बोलते हैं बच्चों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्यों बन गए? वो इसलिए बन गए क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है, रोटेशन पॉसिबल नहीं है, वो रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब बंद अलाउड नहीं है, अगर करोगे तो टूट जाएगा बॉन्ड। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है अलोंग दी पाई बॉन्ड, ठीक है, इसलिए हम लोग ये वाला स्टडी करते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स स्टडी करते हैं। और ये किस किस में हो सकते हैं? जहां पर भी ना डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, जो डबल बॉन्ड है हमारा सी डबल बॉन्ड सी करके भी स्टडी करेंगे हम, सी डबल बॉन्ड एन करके भी हम लोग स्टडी करेंगे, एन डबल बॉन्ड एन भी होता है, कीटोन्स वाला सी डबल बॉन्ड ओ भी होता है। तो ये सब के अंदर हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स स्टडी करेंगे, ठीक है। अगर हम इसको रोटेट कर ये बनाना चाहे तो हमारा बॉन्ड टूट जाएगा, इसका मतलब हम रोटेट नहीं कर सकते हैं, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब अलाउड नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड मतलब अलाउड नहीं, क्योंकि रोटेशन अलाउड नहीं है, इसलिए ये वाला कंपाउंड अलग है, ये वाला कंपाउंड अलग है, ठीक है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहली बात, अब देखो बच्चों, आपको एक नया टर्म इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। व्हाट इज द नया टर्म? मैं बोल रही हूँ कि ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, तो मैंने बोला लेट मी राइट डाउन कंप्लीट वर्ड, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर कॉल्ड एज डायस्टीरियोमर्स, आर कॉल्ड एज डायस्टीरियोमर्स। क्यों कहते हैं इनको डायस्टीरियोमर्स? डायस्टीरियोमर्स का मतलब होता है नॉन मिरर इमेज। देखो अब एकदम से ना ऐसा लगेगा अरे ये क्या चीज आ गई, हम लोग तो बिल्कुल कंफ्यूज हो गए, समझ में नहीं आ रहा। देखो ये दोनों जो मेट्रिकल आइसोमर्स है, एक सेकेंड ना इसकी रबर से ये मिटा देते, ठीक है। ये दोनों जो मेट्रिकल आइसोमर्स है बच्चों, पहली बात ये ए जो बन लिखा था मैंने, ये वाला सिस और ट्रांस वाला जो हमने बोला बच्चों, क्या ये आपस में मिरर इमेजेस हैं? मिरर इमेज का मतलब क्या होता है? ऐसा करते हैं मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बताती हूँ। मिरर का मतलब क्या होता है? जब मैं शीशे के सामने खड़ी होती हूँ, मेरा सर ऊपर ही दिखता है, पैर नीचे ही दिखता है, बस लेफ्ट का राइट हो जाता है, राइट का लेफ्ट हो जाता है ना। मिरर में यही तो होता है, ऊपर का ऊपर ही रहता है, सर ऊपर ही रहेगा, पैर नीचे ही रहेंगे आपके, बस लेफ्ट का राइट हो जाता है, राइट का लेफ्ट हो जाता है, यही होता है। अब ये दोनों दे आर नॉट मिरर इमेजेस, कैसे? मैं इसको ना ऐसे करके बनाती हूँ, सी डबल बॉन्ड सी, ये कौन सा वाला बनाया मैंने, सिस वाला कि ट्रांस वाला? सिस वाला है ना, सेम सेम साइड है। सो अब बेटा मैं इसकी मिरर इमेज बनाती हूँ। सो मिरर इमेज के लिए एक पहले तो लाइन खींच लेते हैं, शीशा बना दिया, और अब बच्चों मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊंगी, ये कार्बन ऊपर ही रहेगा, ये इधर रहेगा, ये दोनों राइट वाले लेफ्ट में आ जाएंगे, है ना। है कि नहीं? करेक्ट है। अभी ये जो बना
ये भी तो सिस ही बना ना, ये ट्रांस थोड़ी बना, करेक्ट? और ट्रांस कैसा होता है एक्चुअली में? जो ट्रांस होता है, ट्रांस तो ये होता है, दिस इज आर ट्रांस, हम बोल रहे हैं, है ना? ठीक है ना? ओ सॉरी, ये तो सारे मैंने वो बना दिए, सॉरी बच्चों, सॉरी सॉरी सॉरी, तुम तो कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, अभी सुनना हाँ मेरी बात ध्यान से बच्चों। ये सिस है, ये ट्रांस है, ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, बट क्या ये एक दूसरे की मिरर इमेज है? नहीं, ये मिरर इमेज तो नहीं है, इसका मिरर इमेज तो वैसा ही बन रहा था, है ना? मतलब सिस ही बन रहा था, इसका सिस का तो हम ट्रांस बोल रहे हैं, सिस और ट्रांस आर्गुमेंट, सिस एंड ट्रांस आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, सिस एंड ट्रांस आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। क्या इन दोनों मिरर इमेज है कि नहीं है? नहीं है ना? नो मैम, नहीं है। तो फिर जो मैंने यहाँ सेंटेंस लिखा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स सिस एंड ट्रांस आर कॉल्ड एज डायस्टेरियोमर्स, क्योंकि डायस्टेरियोस का मतलब होता है दे आर नॉन मिरर इमेजेस, तो हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर नॉन मिरर इमेजेस, दे आर नॉट मिरर इमेज, नॉट मिरर इमेज, तो उसको नॉन मिरर इमेज कहते हैं। और नॉन मिरर इमेज बोल रहे हैं हम, तो नॉन मिरर इमेज को बोलते हैं डायस्टेरियोमर्स, अंडरस्टूड? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर डायस्टेरियोमर्स। पहला पॉइंट समझ में आया? यस ओके मैम। अब इसी के अंदर एक और पॉइंट होता है, जो दूसरा पॉइंट है ना, हम लोग बात करते हैं एरियल डिस्टेंस, एरियल डिस्टेंस इज डिफरेंट। मतलब क्या है? सिस वाले के अंदर एरियल डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन द सिमिलर ग्रुप्स, आइडेंटिकल सिमिलर ग्रुप्स इज L1, और ट्रांस वाले के अंदर द एरियल डिस्टेंस इज L2। क्या एरियल डिस्टेंस इज L1 इक्वल टू L2 और नॉट इक्वल टू L2? नॉट इक्वल टू, है ना, L1 छोटा होगा, L2 लंबा होगा, करेक्ट? L2 विल बी बड़ा, है ना, डायगोनल वाला है, और L1 वाला विल बी छोटा, L1 विल बी लेस देन, मतलब एक्चुअल में तो L1 इज लेस देन L2 ना, तो जो एरियल डिस्टेंस है बिटवीन द सिमिलर ग्रुप्स इज नॉट सेम, इट इज डिफरेंट, करेक्ट? सो एरियल डिस्टेंस इज डिफरेंट, ये हमारा एक और पॉइंट है, ठीक है? ओके, एरियल डिस्टेंस इज डिफरेंट। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ज्योमेट्रिकल आइसोमेट, ये वाले सारे पॉइंट समझ में आए ना? यस हाँ, मैम। ओके। सो अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पॉइंट इज जीआई विल बी एग्जिबिटेड ओनली इफ बोथ द ग्रुप्स कनेक्टेड टू अ पर्टिकुलर कार्बन आर डिफरेंट। मतलब किसी एक कार्बन पर जो दो ग्रुप कनेक्टेड है ना, इन दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। वाई? बिकॉज इधर भी मिथाइल कर दूं और अगर मैं इधर भी मिथाइल कर दूं, तो आप इसको क्या बोलोगे, सिस बोलोगे कि ट्रांस बोलोगे? कंफ्यूज हो जाओगे ना, यहाँ पर मिथाइल है, इस मिथाइल के रिस्पेक्ट में ये भी मिथाइल है, तो सिस भी बोल सकते हैं, इस मिथाइल के लिए यहाँ भी मिथाइल, तो ट्रांस भी बोल सकते हैं, तो हम क्या करें? तो हम बोलते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तभी एग्जिबिट होती है जब किसी एक कार्बन पर दोनों ग्रुप डिफरेंट हो। जैसे लेट मी शो दिस टू यू विद एन एग्जाम्पल, प्लीज ये नोट डाउन कर लो बच्चों, ये वाले चारों पॉइंट्स। रिटर्न यस मैम।
मैम लास्ट वर्ड। अच्छा, आराम से लिखो बच्चे। मैम डन। ओके चलो अब इसका मीनिंग समझते हैं। अच्छा देखो बच्चों, ओके यू कैन सी। अच्छा हमने बोला ये सी डबल बॉन्ड सी है, यहाँ मैंने मिथाइल लगाया, यहाँ पर इथाइल लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पर एच लगाया, यहाँ पर मिथाइल लगा दिया, तो तुम बहुत खुश होगे। क्या बोलोगे इसको? सिस की ट्रांस। मैम ट्रांस। ट्रांस क्योंकि इधर मिथाइल है, इधर और इधर मिथाइल है, तो आपने बोला अरे मैम ये तो ट्रांस है, एकदम बढ़िया से ट्रांस, ठीक है, ट्रांस बोल दिया आपने। अब समझो अगर मैंने क्या किया, इस कार्बन के तो दोनों ग्रुप अलग अलग है, एक मिथाइल है एक इथाइल है, हमें कोई चिंता नहीं, लेकिन इस वाले कार्बन पे दोनों पे मिथाइल लगा दिया तो तुम कंफ्यूज हो गए। तुम बोलोगे मैम इस वाले मिथाइल के साथ इसको देखूंगी, तो बोलूंगी सिस, इस वाले मिथाइल के साथ इसको देखूंगी तो बोलूंगी ट्रांस। अब मैं क्या करूं, तो हम लोग ये बोल देते हैं कि इट does not exhibit GI. ये geometrical isomerism exhibit ही नहीं करेगा। क्यों भाई? एक कार्बन पर कनेक्टेड दोनों ग्रुप्स अलग अलग होने चाहिए, ये हमारी मैंडेटरी कंडीशन है, मतलब नो मतलब ये इसमें कोई एक्सेप्शन है ही नहीं। इस कार्बन पे दोनों ग्रुप अलग होने चाहिए, इस कार्बन पे दोनों ग्रुप अलग होने चाहिए। अगर ढंग से लिखूं मैं तो मैं ऐसे लिख देती हूँ सी, यहाँ ए, अच्छा इसको सर्कल भी बनाती हूँ, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी, ओहो सी ई कर देता हूँ। सो माय कंडीशन मतलब वेरी इंपॉर्टेंट कि इट विल एग्जिबिट GI only if ये D और E बराबर ना हो, D not equal to E और A और B बराबर ना हो, A not equal to D, D और E बराबर नहीं होने चाहिए, A और B बराबर नहीं होने चाहिए, सिर्फ तभी ये GI exhibit करेगा, otherwise GI exhibit नहीं करेगा। आया समझ में? Example से discuss करें। हम लोग जो ग्रुप्स है ना, कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन क्लोरीन OH, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल NH2 CN COOH CHO, कुछ भी ग्रुप हो सकता है, लोन पेयर को भी हम ग्रुप मानते हैं, सब कुछ अलाउड है, ठीक है। एग्जांपल्स लिख रही हूँ, जल्दी से नोट डाउन करो। ओके so tell me if it exhibits GI or not, okay? So C double bond C तो ले लिया सबसे पहले, यहाँ पर एमी सी एच थ्री एच सी एच थ्री। चलो पहले इन तीन का बताओ, फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके पहले वाले में बताओ, विल इट एग्जिबिट जीआई, यस की नो? यस मैम। थोड़ा सा और सोच। नो मैम। क्यों? उनके दोनों एक जैसे ना, CH3 CH3, ये भी मिथाइल है और ये एनी भी तो मिथाइल ही होता है, इस पे दोनों के दोनों ग्रुप सेम है, तो इट विल नॉट एग्जिबिट जीआई क्योंकि इस वाले कार्बन पर इधर भी एमी है और इधर भी एमी है, मतलब इधर भी मिथाइल है इधर भी मिथाइल है,
चाहे मैं सी एच थ्री लिखू चाहे एम ई लिखू, बात तो एक ही है ना, तो इट विल नॉट एग्जिबिट जी आई. वेरी गुड. अभी ये वाला बताओ, विल इट एग्जिबिट जी आई? यस मैम. तो यहाँ पर यस इट विल एग्जिबिट. और जी आई अलग अलग तरह की होती है. सबसे सिंपलेस्ट है सिस ट्रांस, जो हमने एनसीईआरटी में कवर करी होती है. तो ये वाला कौन सा आएगा, सिस की ट्रांस? मैम ट्रांस. ट्रांस वाला होगा. वेरी गुड. ठीक है. अब ये वाले के अंदर जी आई एग्जिबिट होगी? यस मैम. जी आई की तो यस इट विल एग्जिबिट जी आई. यस इट विल एग्जिबिट जी आई. क्यों? क्योंकि इस कार्बन पे एक फ्लोरीन है, एक क्लोरीन है, दोनों अलग अलग ग्रुप्स है. इस कार्बन पे एक ब्रोमीन है, एक आयोडीन है, दोनों अलग अलग ग्रुप्स है. देखना क्या है जी आई के लिए, डबल बॉन्ड हो और एक कार्बन के दोनों ग्रुप्स अलग अलग हो, बस दैट इज इट, और कुछ नहीं देखना है. तो ये जी आई एग्जिबिट कर लेगा. इट विल नॉट बी सिस ट्रांस, इट विल बी अनदर. इट विल नॉट बी सिस ट्रांस. यहाँ पर अलग आता है, ईजेड वाला होता है एन जूसामेन, और उसको ई से क्या बोलते हैं, एंड गेगोन, मतलब एक इंग्लिश का टर्म है, जेड और ई लिखते हैं, तो वो मैं लिखा दूंगी, टर्म लिखा दूंगी क्या होता है. तो ईजेड वाला ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा. समझ में आया सबको? नेक्स्ट पेज पे दो चार और एग्जाम्पल्स लिखूं? यस मैम. यस मैम. ओके सो ये हटा दो. So, next page पे हम लोग कुछ और examples कर लेते हैं. Number 4. So, number 4 पे लिख लेते हैं. ये lone pair बनाया है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं. जो पहले lone pair होता है ना, वो बना दे. So, बच्चों विल दिस एग्जिबिट जी आई? यस. डबल बॉन्ड है हमारा, तो जी आई की कंडीशन ही दो थी. डबल बॉन्ड होना चाहिए पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन है इस कार्बन के दोनों ग्रुप्स अलग हो, इस नाइट्रोजन के दोनों ग्रुप्स अलग हो. बिल्कुल बढ़िया, दोनों ग्रुप्स अलग अलग है, यहाँ OH और यहाँ OH है, तो सिस वाला है. ठीक है. और यहाँ पर सिस वाला ना बोल के यस इट विल एग्जिबिट जी आई लिख देती हूँ. और यहाँ पर जब भी यस इट विल, एक सेकंड पूरा सेंटेंस कंप्लीट कर लूं फिर बोलती हूँ. यस इट विल एग्जिबिट जी आई. और जब भी सी डबल बॉन्ड सी होता है ना, तभी हम सिस ट्रांस बोलते हैं. जब भी सी डबल बॉन्ड एन हो गया तो एक नया टाइप आ जाता है. जैसे अभी मैंने ई और जेड कहा था, ऐसे यहाँ पर सिन और एंटी ऐसा वाला आ जाता है, तो हम वो वाला बोलते हैं. ठीक है. तो वो अभी हम सिखाएंगे आपको. ठीक है. पर जी आई एग्जिबिट होगी. जी आई की दो ही कंडीशंस है, डबल बॉन्ड होना चाहिए नंबर वन, और नंबर टू डबल बॉन्ड होने के साथ साथ जो है, जो जिन दो एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड है उन पर जो है अलग अलग ग्रुप्स कनेक्टेड हो. आ गया सबको क्लियर? दोनों कंडीशंस क्लियर है? यस मैम. चलो ओके. अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम जी आई पढ़ते हैं. सो हेडिंग लिख लो प्लीज बच्चों. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जी आई, उसके अंदर सबसे पहला केस इज सिस एंड ट्रांस का. सिस और ट्रांस का क्या मतलब होता है? सिस और ट्रांस का मतलब होता है सिमिलर ग्रुप्स, मतलब सेम ग्रुप्स जो है ऑन सेम साइड होते हैं तो उसको बोलते हैं सिस. अगर ऑपोजिट साइड होते हैं, मतलब आपस में ऑपोजिट हो, तो उसको बोलते हैं ट्रांस. ठीक है. ये बहुत ऐसा वैसा वाला डेफिनेशन है, बिल्कुल भी बुक वाला, अच्छा वाला, लैंग्वेज वाला डेफिनेशन नहीं है, बट मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ. ये डबल बॉन्ड ले लिया,
कार्बन और कार्बन के बीच में, यहाँ लगा दिया सी एच थ्री और यहाँ लगा दिया सी एच थ्री, यहाँ एच, यहाँ सी एल। अब तो मुझे जल्दी से बताते जाना सिस की ट्रांस, ठीक है? और सिस है कि ट्रांस है कि नो जी आई, बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। हाँ ओके, इतना काफी है। अभी आप लोग कोशिश करो, मैं एक सेकंड में पानी पीकर आ रही हूँ, ठीक है? बच्चों शुरू करें, कांगल सारे के सारे बोर हो गए क्या? बोरिंग लेक्चर चल रहा है मैम, समझ में लाइक पहला तो आ गया हूँ, उसके बाद कैसे करना समझ में नहीं आ रहा है। चलो फिर डिस्कस करते हैं। हाँ फिर ओके, अच्छा पहला वाला बता दो तो बहुत आसान है। मैम ट्रांस। वेरी गुड। अब ये वाला समझ में नहीं आ रहा तो ऐसा करते हैं, इसको खोल के लिख लेते हैं। यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, ठीक है बच्चों? इधर मिथाइल है और ऊपर एच हो गया। इस कार्बन में यहाँ ये है तो नीचे एच हो गया ना। एच एच सिमिलर ग्रुप्स कहाँ है? ऑपोजिट साइड है। कैन आई कॉल इट ट्रांस? रिपीट करूं इसको? मैं रिपीट करती हूँ। अंडू 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 अंडू। इस कार्बन पे देखो, यहाँ पर ये कार्बन कार्बन बच्चों डबल बॉन्ड है, ये वाला कार्बन कार्बन का, मैं ये भी हटाती हूँ। ओके सो यहाँ पर ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है? अब ये जो कार्बन डबल बॉन्ड है ना, इसमें आपको इस कार्बन पे इधर मिथाइल लगा हुआ है, इस कार्बन पर इधर इथाइल लगा हुआ है, ठीक है? एक दो कार्बन का, ये कार्बन से दो कार्बन का लगा हुआ है इथाइल। इस कार्बन पे एक तो मिथाइल है तो एक हाइड्रोजन होना चाहिए, इस कार्बन पे इधर तो इथाइल है और एक ही एच होना चाहिए। तो एच एच बच्चों ऑपोजिट साइड है। कैन आई कॉल इट ट्रांस? अभी क्लियर हुआ? Yes, thank you. Okay, so this is trans. ठीक है, तो GI हो रही है, GI के लिए yes और trans है। ये दोनों कार्बन है, इस पे भी मिथाइल, इस पर भी मिथाइल, इस पर भी मिथाइल, इस पर भी मिथाइल। GI exhibit होगा? No, ma'am. तो no GI है ना? No GI. अब आ जाओ बच्चों ये वाले पे, इधर भी डबल बॉन्ड है, इधर भी डबल बॉन्ड है। पहले इस वाले के लिए बताते हैं, इस वाले के अंदर ये कार्बन पर दोनों मिथाइल है, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, दो दो मिथाइल। हमको तो अलाउड नहीं है जीआई के लिए, एक ही कार्बन पे दो डिटो सेम आइडेंटिकल ग्रुप्स नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर बोल दो इस डबल बॉन्ड के लिए नो जीआई। यस मैम, करेक्ट? हाँ अच्छा ओके। अभी ये वाले कार्बन को देखो, ये दोनों कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जहाँ पे मैं कर्सर घुमा रही हूँ, इधर एक बड़ा सा ग्रुप है, इधर एक बड़ा सा ग्रुप है मिथाइल है। यहाँ पर H होगा इसका और यहाँ पर H होगा, तो ये क्या हो गया सिस की ट्रांस? मैम सिस। इस वाले के लिए आप बोल दो बच्चों सिस। अब पहले तो ये ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए तो हम GI नहीं बोलते ना, हम तो डबल बॉन्ड के लिए बोलते हैं GI। तो इसके लिए तो इग्नोर करो, इसके लिए तो नहीं है। अब इधर भी ट्रिपल बॉन्ड ही है, यहाँ पर ही फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ देखो, जहां मैं कर सकूं घुमा ली, डबल बॉन्ड ये वाला डबल बॉन्ड इधर ऊपर है तो इधर एक एच हो गया, यहाँ नीचे है तो ऊपर एक एच हो गया। ये क्या हो गया सिस या ट्रांस? ट्रांस। ट्रांस। वेरी गुड, होशियार बच्चे सारे के सारे। अब लास्ट वाला बता दो मुझे, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इधर ऊपर है तो नीचे एच कर लो, इसके लिए नीचे है तो ऊपर एच कर लो। तो इस वाले डबल बॉन्ड के लिए हम बोलेंगे ट्रांस, और इस वाले के अंदर इधर ऊपर है
तो नीचे एच, इधर नीचे है, दूसरा वाला भी ट्रांस, दूसरा वाला भी ट्रांस। सबको क्लियर हुआ? डन डन। यस मैम। थैंक यू। और एग्जांपल्स तो? यस मैम। नेक्स्ट पेज करते हैं। अच्छा चलो, एक दे देते हैं। ब्यूट ई 1.4 टाइम से, और इसके हमारे सी डबल बॉन्ड सी ब्यूट 1 2 3 4 1.4 टू पे ई डाइओएट एसिड, ब्यूट 1 2 3 4 2E14 डाइओएट एसिड। ये वाले को क्या बोलेंगे? मैम सिस। और ये वाले को बोलोगे आप? ट्रांस। सिस और ट्रांस। तो ये ना, आई नो बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल दिया एज कम्पेयर टू द प्रीवियस एग्जांपल्स, बट ये दो कंपाउंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो ये सिस वाला है ना, उसको बोलते हैं मेलिक एसिड, कॉमन नेम, काफी यूज होता है हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मेलिक एसिड। और जो ट्रांस वाला है ना, उसको बोलते हैं फ्यूमैरिक एसिड, फ्यूमैरिक एसिड। ये कुछ कॉमन नेम्स है। वैसे तो आप लोग को बच्चों आईयूपीएसी वाले नेम्स लिखने आते हैं, आप बोलो कि अरे मैम ये मेलिक एसिड फ्यूमैरिक एसिड क्यों बता रहे हो, लेकिन कहीं कहीं जगह ना ऐसे यूज कर रखा होता है, तो ये इम्पोर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए, इसलिए ये नोट डाउन कर। ठीक है, नोट इट डाउन। और फिर हम आगे बढ़ते हैं। डन है? यस मैम। ओके, सो लास्ट एग्जांपल लिख रही हूँ मैं, सी डबल बॉन्ड सी, और यहाँ पर पीपी, यहाँ पर पीपी, और यहाँ पर एच, यहाँ पर क्लोरीन, सी डबल बॉन्ड सी ओके बच्चों, अब पहला वाला मुझे बताओ, सिस की ट्रांस जीआई एग्जिबिट करेगा नहीं करेगा, सिस होगा कि ट्रांस होगा? मैम सिस। दोनों तरफ इथाइल है, सेम साइड है, तो ये तो आपने बोल दिया सिस। ये प्रोप मतलब होता है प्रोपाइल, ऑपोजिट साइड है, तो ये वाला कौन सा होएगा? ट्रांस। ट्रांस होगा। वेरी गुड। अब ये वाले को देखो, मैंने फ्लोरिन फ्लोरिन ब्रोमिन आयोडीन ये लिख दिया, क्या ये जीआई एग्जिबिट करेगा? हाँ करेगा, जीआई तो यस है, जीआई तो करेगा। देखो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, डबल बॉन्ड है, मेरी जीआई की कंडीशन ही दो थी, एक तो डबल बॉन्ड हो पहला कंडीशन, और दूसरा कंडीशन ये था इस कार्बन पे जो दोनों ग्रुप्स कनेक्टेड है, एक आई और एक बी आर, दोनों डिफरेंट, इस कार्बन पे जो दो ग्रुप्स कनेक्टेड है, एक फ्लोरिन एक क्लोरिन, दोनों डिफरेंट। अगर कार्बन पे दोनों कनेक्टेड ग्रुप्स आर डिफरेंट, देन इट विल एग्जिबिट जीआई। तो क्या ये जीआई एग्जिबिट करेगा? यस, हाँ करेगा, जीआई तो करेगा।
बट क्या ये सिस ट्रांस वाला जी आई एग्जिबिट करेगा? तो आप बोलोगे नहीं, नो, क्योंकि सिमिलर ग्रुप नहीं है ना। यहाँ पर फ्लोरीन देखो कि क्लोरीन देखो, यहाँ ब्रोमीन देखो कि आयोडीन देखो, सेम ग्रुप नहीं है, आइडेंटिकल ग्रुप होना चाहिए था। आइडेंटिकल नहीं है मतलब एक इधर होना चाहिए कुछ और एक यहाँ पर, एक आइडेंटिकल से मैचिंग होना चाहिए था। तो ये सिस ट्रांस नहीं है। इस केस में आप कैसे करते हो, आप बोलते हो सिस ट्रांस की जगह जेड और ई ज्योमेट्रिकल आइसोमर का ही दूसरा टाइप। अभी हमने लिखा था ना यहाँ पर टाइप्स में, ये हमने तो अभी पढ़ा सिस ट्रांस। अब नाउ सिंस सारे के सारे क्वेश्चंस में हम लोग सिस या ट्रांस नहीं बोल सकते हैं, तो अब हम दूसरा बोलेंगे। अब हम बोलेंगे जेड और ई, और इस जेड का मतलब होता है जूसामिन। ठीक है, मुझे एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं पता, जो इसका इंग्लिश वाला जो वर्ड है वो मैं लिख रही हूँ, जेड यू एस ए डबल एन ई एन, जूसामिन। और ई का मतलब होता है एन जी ई जी ए एन, एन गेगॉन। ठीक है, जो भी है, ठीक है। बेसिकली जेड को ना ऐसा अपने मन की आंखों से सोच लेने का सिस जैसा, ठीक है, और ई को ऐसा मन की आंखों से सोच लेने का ट्रांस जैसा। अभी तुम सिस और ट्रांस कैसे बोलोगे बच्चों? तो क्या करो, जेड सिस और ई ट्रांस का भाई है और जेड सिस का भाई है, ठीक है। अब देखो आप क्या करो, एक ना प्रायोरिटी ऑर्डर असाइन करो, ठीक है। हम लोग असाइन करते हैं सीआईपी रूल। तीन साइंटिस्ट थे, सी से थे कान, सी ए एच एन कान, आई से थे इन गोल्ड, और पी से थे प्रीलॉग। हाँ, प्रीलॉग। ये तीन लोगों ने मिलकर सीआईपी का रूल दे दिया। इन्होंने क्या बोला, जब आप सिस ट्रांस ना बता पाओ तो ईजेड बता दो। ईजेड कैसे बताओगे, इनको प्रायोरिटी रूल असाइन करो। पहले वाला कार्बन देखो, ये वाला कार्बन जिस पे अपना कर्सर है, इस पर एक आयोडीन है, एक ब्रोमीन है। किसका एटॉमिक नंबर हायर है, आयोडीन का कि ब्रोमीन का? आयोडीन का। तो इसको दे दो इन दोनों में पहला प्रायोरिटी। अभी दूसरे वाले कार्बन को देखो, एक फ्लोरीन है, एक क्लोरीन है। फ्लोरीन और क्लोरीन में किसका एटॉमिक नंबर बड़ा है, क्लोरीन का। इसको दे दो हायर प्रायोरिटी। अभी देखो दोनों का हायर प्रायोरिटी कहाँ आ रहा है, टेढ़ा वाला ऑपोजिट साइड। तो इसको आप बोल दोगे ट्रांस का भाई। तो ट्रांस का भाई बोलना है तो हम लोग बोल देंगे दिस इज ई। ठीक है, आया समझ में? यस मैम। आप कर लोगे सारे के सारे? yes. ये ठीक है, चलो। अब मैं ना सीआईपी रूल के ना बच्चों कुछ ना, ये बहुत सिंपल सा मैंने सिर्फ एक ही रूल बताया है। ऐसा सिंपल से तो अपना काम नहीं चलता है, जेई के नीट के पेपर में सारे के सारे रूल्स हम लोग को सर टफनेस वाले उस पे पढ़ने पड़ेंगे। तो अब मैं वो रूल्स लिख रही, ठीक है। तो सीआईपी के रूल्स हम लोग लिखते हैं, बताती हूँ। ओके, चलो सीआईपी के रूल्स। पहला रूल क्या है, असाइन हायर प्रायोरिटी टू द एलिमेंट हैविंग हायर एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर बड़ा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल सी डबल बॉन्ड सी, इधर रखा ओ एच, इधर एन एच टू और ओ, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन, तो यहाँ सी एस सी कर लेते हैं, ऑक्सीजन क्लोरीन नियॉन। ओके, ये मैंने लिख दिया। अब इसके अंदर लेट्स असाइन प्रायोरिटी। लेट्स असाइन, पहले वाले पे देखते हैं। सी पर एफ है और मिथाइल है, एफ और
एफ और मिथाइल है, ओके बच्चों यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है, ओके एक तरफ एफ है एक तरफ मिथाइल है, सी से कनेक्टेड क्या है एफ, एफ का होता है एटॉमिक नंबर 9, और इधर सी से कनेक्टेड क्या है पहला एटम जो कनेक्टेड है दैट इज कार्बन, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड है ना, इसको चाहे तो आप ऐसा लिख लो, ये कार्बन है और इस कार्बन से ऐसा हाइड्रोजन कनेक्टेड है ना, समझने के लिए ओके, तो इस कार्बन से इधर फ्लोरीन है और इस कार्बन से इधर कार्बन, फ्लोरीन को होता है एटॉमिक नंबर 9 और कार्बन को होता है एटॉमिक नंबर 6, 9 और 6 में एटॉमिक नंबर बड़ा किसका, फ्लोरीन का, तो दिस विल गेट हायर प्रायोरिटी, जिसका जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ अटैचमेंट हो, जो पहला एलिमेंट जो पहला एटम कनेक्टेड हो उसका आप एटॉमिक नंबर देखो, हाँ फ्लोरीन और कार्बन, तो फ्लोरीन का बड़ा तो दैट विल गेट हायर प्रायोरिटी। अब इस वाले पे आ जाओ, इस कार्बन पे एक तरफ है OH और एक तरफ है NH2, O का एटॉमिक नंबर होता है 8 और नाइट्रोजन का होता है 7, तो O का एटॉमिक नंबर बड़ा है 8, तो इसको हम देंगे हायर प्रायोरिटी, और ये क्या बन गया सिस का भाई यानी कि Z। क्लियर एवरीवन, बच्चों समझ में आया? यस मैम। चल गुड, अब एक और एग्जांपल लिखती हूँ, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी डबल बॉन्ड सी और OH OCH3, अच्छा चल कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है मैंने ये वाला, कोई बात नहीं NH2 और यहाँ पर है N से CH3 ओके बच्चों थोड़ा सा दिमाग लगाओ, फर्स्ट पॉइंट ऑफ अटैचमेंट देखो, फर्स्ट पॉइंट ऑफ अटैचमेंट अगर सेम आ रहा है तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ अटैचमेंट देखो जिसका हायर एटॉमिक नंबर है, दो मिनट सोचो फिर मैं बता दूंगी आंसर, लेकिन आई जस्ट वांट यू टू ट्राई वंस। मैं ऐसा करती हूँ, मैं रूल लिखती हूँ, एक एटॉमिक नंबर को जेड लिखते हैं, जेड ऑफ फर्स्ट एटम इज सेम, जेड ऑफ फर्स्ट एटम इज सेम, देन चेक द एटॉमिक नंबर जेड of the next atom, मतलब राइट वाले कार्बन को देखो, इस वाले कार्बन से ओ भी है और ओ भी है, दोनों तरफ ओ है, लेकिन अब कैसे हम जज करें, दोनों का तो 8-8 हो गया एटॉमिक नंबर, तो ये वाला ओ एच से कनेक्टेड है, ये वाला ओ सी से कनेक्टेड है, और H और C में देखो कंपेयर करो किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, C का, तो ये वाला बन गया हायर प्रायोरिटी। हाँ जी बोलो, इस वाले में बता बेटा NH2 होगा कि N के साथ जो दो मिथाइल जुड़े हुए उसको हायर प्रायोरिटी देंगे, इधर भी N है इधर भी N है, ये वाला N जुड़ा है हाइड्रोजन से, ये वाला N जुड़ा है कार्बन से, देखो N और N ही है तो हम जज नहीं कर सकते ना, दोनों का तो एटॉमिक नंबर साथ है, लेकिन ये वाला N आगे H से जुड़ा है बच्चों, और ये वाला N आगे C से जुड़ा है, तो C का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है ना कंपेयर टू H, तो आप इसको दोगे हायर प्रायोरिटी, और दोनों के दोनों सेम साइड है तो सिस बन गया, इज इट क्लियर कि रिपीट करूं बच्चों, कनेक्टेड है सारे, अनिकेत क्लियर है, मुस्कान सिया क्लियर है बच्चों, यस मैम ओके नेक्स्ट लेट मी गिव द क्वेश्चन अगेन, सी डबल बॉन्ड सी
ओके प्लीज ट्राई दिस वन. अभी तुम लोग आंसर दोगे, अभी मैं नहीं बताऊंगी. इट इज योर टर्न नाउ. अच्छा इसमें तो बता दो लेफ्ट वाले कार्बन के लिए किसको हायर प्रायोरिटी देंगे, एच को कि ओएच? ओएच. वेरी गुड मैम. अच्छा अब इधर मिथाइल है, इधर इथाइल है ना, ये तो दिख गया अपने अपने को CHC और ये CH2CH3 है. ठीक है चाहे तो हम इसको ऐसा देख सकते. ऐसा भी लिख सकते हैं ना. ओके अभी इस कार्बन से देखो बच्चों, ये कार्बन है और ये भी कार्बन है, क्या हम जज कर सकते हैं? नो. दोनों कार्बन ही कार्बन है. नो जजमेंट. ठीक है नॉट मेक अ जजमेंट. अब इससे नेक्स्ट पॉइंट ऑफ अटैचमेंट देखो, इस कार्बन से तीन हाइड्रोजन है, तीनों का एटॉमिक नंबर है. इस कार्बन से दो तो हाइड्रोजन है और एक कार्बन, तो कार्बन का हायर एटॉमिक पावर एटॉमिक नंबर हो गया ना, तो उसकी प्रायोरिटी ज्यादा. तो ये हो गया वन और वन वन गया कि सिस का भाई जे. ठीक है एक और एग्जांपल दूं? ठीक है और अभी तुम लोग मुझे आंसर बताओगे. हाँ अभी मैं नहीं हेल्प करूंगी बिल्कुल भी. सो ओके ऐसा करते हैं, इसको कर देती हूँ CH2 और CH3 और इस पे CH लगा के इधर भी CH3 और इधर भी CH3 दोनों पे CH3 कर देते हैं. ओके अभी बताओ. Try please. Ma'am, trans. Trans कैसे? पहले बताओ NH2 और OCH3 में किसको higher priority दी? OCH3. क्योंकि ये अब यहाँ पर isopropyl है, इधर ethyl है, किसको higher priority दी? Ma'am ऊपर. ऊपर वाले को, है ना? तो ये बन गया E. करेक्ट. ट्रांस का भाई, तो ट्रांस नहीं बोलना है ना यहाँ पर, सिस ट्रांस नहीं बोलेंगे यहाँ, इजेड बोलेंगे हम, है ना? सिस ट्रांस सिर्फ सेम ग्रुप्स होने चाहिए तभी. यस सर. ठीक है क्या ये सबको समझ में आया? इससे ये कार्बन और ये कार्बन तो सेम है, अब इस कार्बन से ना दो कार्बन कनेक्टेड है और एक हाइड्रोजन, और इस कार्बन से दो हाइड्रोजन एक कार्बन, तो दो कार्बन इधर और एक ही कार्बन, तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा. ठीक है सो दिस इज बच्चों आर रूल नंबर टू. रूल नंबर टू, रूल नंबर वन था कि जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ अटैचमेंट हो जिसका एटॉमिक नंबर हाई हो उसको हायर प्रायोरिटी दे दो, पर अगर वो वाला रूल ना चले तो रूल नंबर टू पर आओ. रूल नंबर टू ये कहता है अगर फर्स्ट पॉइंट ऑफ अटैचमेंट दोनों का सेम हो तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को चेक करो, जिसका हायर एटॉमिक नंबर उसको हायर प्रायोरिटी. अब The third rule is CIP ने जो मतलब इन तीनों ने जो मिलकर रूल दिया तीसरा रूल, उन्होंने बोला आइसोटोप्स इन केस ऑफ आइसोटोप्स. ठीक है अगर आइसोटोप्स कनेक्टेड हो, आइसोटोप्स विद हायर एटॉमिक मास, विद हायर एटॉमिक मास विल गेट higher priority. Isotopes क्या होते हैं पहले तो मुझे ये बताओ. Isotopes क्या होते हैं बच्चों? Example दो please. Compound with same atomic number. Elements with same atomic number, but different mass number. जैसे के chlorine है
क्लोरीन का एटॉमिक नंबर तो 17 फिक्स्ड है, बट इसका एक आइसोटोप होता है क्लोरीन का 35 और दूसरा होता है 37। आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विद सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एटॉमिक नंबर सेम बट मास नंबर डिफरेंट, ठीक है। और मास नंबर इनका क्यों डिफरेंट होता है? ड्यू टू द डिफरेंट नंबर ऑफ सब 11 की भूल के बैठे, ड्यू टू द डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स भैया यहाँ पर 17 प्रोटॉन्स हैं, 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन 18 न्यूट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स बहुत हल्के होते हैं, उनका बिल्कुल मास नहीं होता है, लेकिन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हेवी पार्टिकल्स होते हैं, उनका मास बराबर होता है। 17 प्रोटॉन्स हैं और 18 न्यूट्रॉन्स हैं, तो 17 और 18 ऐड करोगे तो 35। ऐसे ही यहाँ पर 17 प्रोटॉन्स, 17 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 20 न्यूट्रॉन्स हैं, तो 17 और 20 मिलकर 37 मास नंबर हो गया। याद आ गया सब बच्चों को? यस मैम। ये होते हैं हमारे आइसोटोप्स। ऐसे ही अनदर एग्जांपल ऑफ आइसोटोप्स इज हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और एक मास नंबर 1 भी होता है। दूसरा हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है ये और तीसरा होता है ये, मतलब 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन बट 0 न्यूट्रॉन। इधर 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन बट 1 न्यूट्रॉन भी आ गया, 1+1 2। और यहाँ पर 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन और कितने न्यूट्रॉन्स? मैम 2। इसको पहला वाले को बोलते हैं प्रोटियम, दूसरे वाले को बोलते हैं ड्यूटीरियम, और इसको ना मैंने तो H लिख दिया है, कई जगह ना D भी लिखा होता है ड्यूटीरियम का D, हेवी वाटर बनाते हैं D2O लिखते हैं। और ये तीसरा वाला है ना, इसको बोलते हैं ट्रिटियम। कमिंग बैक टू आर सीआईपी रूल्स, सीआईपी रूल क्या कहता है कि अगर आपके पास ऐसा हो कि आइसोटोप्स हो, तो जिस आइसोटोप का मास ज्यादा वो आइसोटोप की प्रायोरिटी ज्यादा। मतलब नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, ये चीज नोट डाउन कर ली सबने? आई थिंक कर ली। मैं नेक्स्ट पेज पर आती हूँ और मैं समझाती हूँ बच्चों एग्जांपल से। जैसे सी डबल बॉन्ड सी है, इधर भी क्लोरीन है, इधर भी क्लोरीन है, लेकिन यहाँ मैंने बोला क्लोरीन का 35 वाला है, यहाँ बोला क्लोरीन का 37 वाला है। यहाँ हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ हाइड्रोजन का ही आइसोटोप ड्यूटीरियम लगा दिया, तो प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे हो जाएगा? ये वाला आइसोटोप की हायर प्रायोरिटी, इधर ये वाले आइसोटोप की हायर प्रायोरिटी, हेंस इट बिकम्स ट्रांस का भाई यानी कि ई। ऐसे नोट दिस डाउन क्विकली और फिर नेक्स्ट पेज भी नोट डाउन करना बच्चों, फिर इसके ऊपर क्वेश्चन देती हूँ। Done everyone? Yes ma'am. Okay. So let's start with questions number one. ओके बच्चों प्लीज ट्राई।
चलो शुरू करते बच्चों। सो पहला क्वेश्चन, इधर ट्रिटियम है और हाइड्रोजन है, ट्रिटियम और हाइड्रोजन में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा आएगी? ट्रिटियम, ऊपर वन आ गया। इधर सी एच थ्री है, इधर सी डी थ्री है, तो इधर में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा आएगी? डी थ्री है, तो ये हो गया ई। ओके, अब इन दोनों में तो मैम ये भी ई है, और इसमें किसकी प्रायोरिटी ज्यादा आएगी? मैम मैंने ऊपर वाले को दी है। क्यों ऊपर वाले को दिए? मतलब थर्ड कार्बन के बाद जो एरिया है, इधर उधर तो सेम है सी। अब H2 सेम है। अब ये नेक्स्ट पे देखो कनेक्टेड किससे है? सी से। ये सी से कनेक्टेड है, ये सी से कनेक्टेड है। यहाँ तक तो आ गए हम, डिटो सेम है। अब ये वाला सी 3D से कनेक्टेड है, और ये वाला सी, लो ऐसे करके लिखना, ये वाला सी 3D से कनेक्टेड है, डी डी डी, और ये वाला सी 2 तो H है लेकिन C से कनेक्टेड है, और फिर ये H3 से। अब देखो यहां पर, यहां तक तो C सेम है, यहां पर जो है इसका हाईएस्ट क्या लोगे? ड्यूटीरियम एटॉमिक नंबर 1, इसका हाईएस्ट क्या लोगे? H नहीं, C एटॉमिक नंबर 6, तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा, हेंस दिस विल बिकम Z। आया समझ में? यस समझ आ गया। इसका जो है हम जिसका नेक्स्ट वाला जो हाईएस्ट एटॉमिक नंबर वाला कनेक्टेड हो उसको आपने देखा। ओके चल अब इसके अंदर चलते हैं। यहाँ पर ये ऐसे कर कर है, अच्छा यहाँ तो आइसोटोप्स का तो स्यापा ही नहीं है। इसके अंदर H ऊपर है और यहाँ पर ये H नीचे है, तो ये इधर उधर, ये वाला तो ट्रांस बन रहा है, इस वाले डबल बॉन्ड पे ट्रांस कर दूं? यस मैम, पैरेलल ट्रांस है ना, और इसके अंदर दोनों को दोनों नीचे है, इस वाले तो E इधर और Z इधर, करेक्ट है? यस मैम। ओके चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज सब लोग का हो गया, ये वाला भी। ओके सो नाउ आई एम गिविंग यू अ क्वेश्चन व्हिच माइट कंफ्यूज यू, सो व्हिच विल कंफ्यूज यू ऑफ कोर्स। C डबल बॉन्ड C, यहाँ D, यहाँ H, नाउ और इधर कर दिया ऐसे, इधर ऐसे, और CH3, कोशिश करो प्लीज। एक हैशटैग करके सिस की प्रायोरिटी ज्यादा होती है ट्रांस से, सेड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है से। अभी समझाती हूँ, एक बार पहले ऊपर वाला लिख लो, अपना दिमाग लगा लो। ओके बच्चों मैं शुरू कर रही हूँ, ठीक है? थोड़ा सा टाइम कम है और मुझे वाला टॉपिक फिनिश करना है। एक तो इधर वाले में तो इस डबल बॉन्ड को देखे तो इसको तो मिल रही है प्रायोरिटी नंबर 1। अब इधर से भी एक ग्रुप कनेक्टेड है, इधर से भी एक ग्रुप कनेक्टेड है, पहले इनको सॉल्व करते हैं। इस डबल बॉन्ड को देखो, इस डबल बॉन्ड में इधर नीचे है और इधर मिथाइल है, तो ये वाला बन जाएगा ई। क्या चीज ये सही समझ में आई? इधर ये है, इधर ऊपर H समझ को चाहे तो, ये इधर है, मिथाइल इधर है, तो ये बन गया E। E की जगह आप इसको सिस भी बोल सकते हैं, सिस नहीं कह सकते, अच्छा हाँ H है ना, सिस कह सकते हैं, सॉरी ट्रांस, ठीक है? सो इस वाले को आप एक तरीके से ट्रांस कह सकते हो, ठीक है? क्योंकि H ऊपर और H नीचे, ठीक है? और इसको इधर ऑपोजिट पाए तो वो भी कह सकते हैं। इसको मैं लिख लेती हूँ, ठीक है? अच्छा, और इस वाले के अंदर ऊपर मिथाइल है, ऊपर बल्कि ग्रुप है और इधर नीचे एच है, तो इसको हम बोल सकते हैं सिस। इज इट राइट? क्या ये चीज सही है? ये ट्रांस सिस या जेड ई ट्रांस बोल लो, या आप ई बोल लो और इसको सिस बोल लो, या फिर जेड भी हो सकता है, ठीक है? क्योंकि वो है, लेकिन सिस ट्रांस हम लोग पहले प्रेफर करते हैं।
क्या ये बात सही है? यहाँ पे समझ में आया? यस मैम। अब आओ इस वाले पे, ये दोनों ग्रुप्स तो सेम ही हैं, सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच थ्री, सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच थ्री। अब क्या करें, सिस की प्रायोरिटी ज्यादा, तो इसको नंबर वन दिया है, इसको नंबर वन दो, और ये इस तरह कर कर देखोगे इधर इधर है तो ये बन जाएगा ओवरऑल ई। गॉट इट? रिपीट करूं कि समझ में आया? ओके अच्छा बताओ, रिपीट करूं कि समझ में आया? ये वाला पार्ट समझ में आया अनिकेत? यस सर, आ गया। आ गया अनिकेत को, क्लियर है? भावना, मुस्कान, सिया, क्लियर है? ओके चल फिर आगे बढ़ते बच्चों, इसी के ऊपर एक दो सेट ऑफ क्वेश्चंस और कर लेते हैं हम, और एक दो सेट ऑफ क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर नंबर सिक्स। NH ओके दिमाग लगाओ, कर सकते हो। सॉरी इसके बाद मैं नेक्स्ट रूल भी लिखती, मैंने ये रूल्स बाका लिखे थे, रूल नंबर थ्री, रूल नंबर फोर सीआईपी का, ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा होती है, डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी होती ओके बच्चों, कैन यू स्टार्ट द फर्स्ट वन? इस वाले हैं, हो गया जेड जेड, आई थिंक यू आर, यस जेड जेड। कैसे किया? इधर वाले में पहले राइट साइड में देखो, ये भी एक पॉइंट पे वो आता है तो उसका एटॉमिक नंबर आता है, तो वन उधर और ऊपर भी वन उधर। इधर देखो फर्स्ट पॉइंट तो कार्बन ही है, कार्बन दोनों का सेम है। अब ये वाला कार्बन दो कार्बन से कनेक्टेड है और ये वाला कार्बन एक कार्बन और एक ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, तो ओ का नंबर ज्यादा, इसका मतलब इधर। और इधर भी सेम ही बना रखा है, इधर ये भी कार्बन, ये भी कार्बन। अब ये कार्बन दो कार्बन से कनेक्टेड है, ये कार्बन भी दो कार्बन से कनेक्टेड है, वो दोनों कार्बन नाइट्रोजन से, ये दोनों कार्बन कार्बन से, तो इसका प्रायोरिटी ज्यादा। सो दिस इज जेड। ये वाले के अंदर यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड सी एच है, यहाँ सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू है। ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी होती है हायर, तो ये वाले को मिलेगा नंबर वन, क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड को ना ऐसी मन की आंखों से देखो, तो मन की आंखों से अगर तुम तोड़ोगे तो इसको कैसे तोड़ोगे,
सी से सी, सी से सी, सी से ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो तीन वो ऐसे करके तोड़ोगे। और इसको अगर आप मन की आंखों से तोड़ोगे ना, सी एच था ना एक, तो एक तो एच, एक सी और एक सी, तो दो सी और एक एच है या तीनों सी है, आया समझ में? और अगर मन की आंखों तोड़ना ना समझ में आए तो सिंपली ए सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच है, ये सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू है, तो ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी हायर होती है यहाँ और यहाँ पर, तो ये क्लियर ही है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट पे चला जाए, ये सब कुछ क्लियर हो गया, इसमें तो आई थिंक सारे एग्जांपल्स भी खत्म हो गए, मैंने सारे के सारे करवा दिए है। ये वाला हो गया, डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, फिर ट्रिपल बॉन्ड की और भी ज्यादा होती है, ऑल द एग्जांपल्स आर डन, ठीक है। नेक्स्ट सेट पे चलते हैं, ओके। सो आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज। अब सेकेंड हमने सिस ट्रांस कर लिया, हमने सिस ट्रांस लिखवाया था नंबर वन, और ईजेड भी लिखा दिया। नेक्स्ट नंबर थ्री, सिस ट्रांस हो गया, ईजेड हो गया, अब नेक्स्ट है जब हमारे पास होता है सी डबल बॉन्ड एन। सी डबल बॉन्ड एन में आप कैसे बताते हो? सो सी डबल बॉन्ड एन के लिए ना हम लोग, मैं पहले बताती हूँ, हमारे होते हैं एल्डोक्साइन्स और बच्चों कीटोक्साइन्स। बच्चों तुम लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी लग रही है? अभी हमने नॉमेनक्लेचर स्टडी करा, इंटरेस्टिंग लगा था, समझ में आया था? यस मैम। और आइसोमेरिज्म पढ़ा, ये भी समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है कि ऐसा सिंपल सिंपल सा है, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा नहीं है, समझ में आ रहा है? Yes, है ना। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना एकदम मस्त स्कोरिंग होती है, स्कोरिंग, लेकिन इट इज स्कोरिंग ओनली अंटिल आप लोग रेगुलरली पढ़ाई करो तो, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर प्रॉब्लम क्या है ना, जिस समय पढ़ते हैं उस टाइम तो समझ में आ जाती है, लेकिन बाद में रिवाइज नहीं करते ना तो भूल जाता है। सो मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग इसको ना रेगुलरली रिवाइज करो, जितना रेगुलरली आप लोग रिवाइज करोगे उतना अच्छा रहेगा, इन केस यू डोंट रिवाइज इट रेगुलरली तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोग प्लीज इसको जेन्युइनली जो है रेगुलरली रेगुलरली पढ़ाई करना। अच्छा ओके, सो बच्चों मैं आपको पहले समझाती हूँ एल्डोक्साइन्स और कीटोक्साइन्स बनते कैसे। लेट्स से मैंने ना कोई एल्डिहाइड ले लिया, कोई भी एल्डिहाइड ले सकते हैं, आर सी एच ओ, जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्मूला होता है, मैंने बोला कि सी एच सी सी एच डबल बॉन्ड ये वाला ले लेते हैं। आई नो आपको आदत ये है कि हम जो है सी एच सी सी एच डबल बॉन्ड ओ ऐसे करके लिखते हैं, बट मैं कुछ एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ, इसलिए मैंने इसको ना बस लिखने का तरीका थोड़ा सा ऐसे करके कर दिया। इसको, ये अपना एल्डिहाइड है, इसको आप ट्रीट कराओगे NH2OH से। ये NH2OH कैसे बनता है? जो अमोनिया था ना NH3, उसका एक H हटा के आपने OH लगा दिया, उसको बोलते हैं NH2OH, ठीक है। अब आपने इसको NH2OH से ट्रीट करवाया, सो व्हाट विल हैपन इज NH2 और OH, तो होगा क्या, ये डबल बॉन्ड O और ये H2 निकल जाएंगे, H2O निकल जाएगा, और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड N OH, ये प्रोडक्ट बना। देखो C और N के बीच में डबल बॉन्ड आ गया ना, और ये एल्डिहाइड से बना है, तो हम इसको बोलते हैं एल्डोक्साइम्स, ये ऑक्साइम कहलाता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन, ये NH2 अमोनिया का अमीन है ना, ये हाइड्रोक्सिल अमीन बोलते हैं, और एल्डिहाइड और हाइड्रोक्सिल अमीन बनकर बना देता है एल्डोक्साइम, और यही एल्डिहाइड की जगह आपने केस वन कर देते हैं और इसको केस टू कर देते हैं। लेट्स से आपने कोई कीटोन दिया था, कीटोन जैसे कि CH3 C CH3
डबल बॉन्ड ओ, और उसको आपने एनएच टू ओएच से ट्रीट किया, तो फिर ये ओ और ये ओ एच टू बाहर निकल गया माइनस वाटर, और आपका इस बारी बन जाएगा कीटोक्साइन, एल्डोक्साइन था एल्डिहाइड से, और ये बन गया कीटोक्साइन, और एन का लोन वैल्यू है, तो ये हमारा बन जाता है बच्चों कीटोक्साइन, ठीक है। सो ये हम लोग एल्डोक्साइन्स और कीटोक्साइन्स को स्टडी करेंगे। जल्दी से नोट डाउन करो, फिर इसका सिन एंटी एटलीस्ट वो बता दूं, ये नहीं कि वो भी बताना रह जाए। जल्दी से नोट डाउन करो, डन? यस मैम। ओके, सो आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज। सो माय फर्स्ट एग्जांपल, लेट्स से मेरे पास एल्डोक्साइन है। देखो एल्डोक्साइन में क्या होता है, सी और एन जो डबल बॉन्ड वाला होता है ना, इस सी पे एक अगर एच प्रेजेंट है तो एल्डोक्साइन है, और अगर सी पर दोनों पे दोनों ही एल्काइल है तो कीटोक्साइन है, ठीक है। सो पहले मैं एल्डोक्साइन बता रही हूँ, सी एच सी सी एच डबल बॉन्ड एन, इसका लोन पेयर और OH नंबर टू, सी एच सी सी एच डबल बॉन्ड एन, एन का लोन पेयर। अब सुनो बच्चों ध्यान से, H और OH अगर सेम साइड हो, H कॉमा OH सेम साइड और सेम साइड, तो हम उसको बोलते हैं सिन। H और OH ऑपोजिट साइड, मतलब आप ऐसा दूर दूर ऑपोजिट साइड, तो उसको बोलते हैं एंटी। तो यहाँ क्या बन गया, एच और OH सेम साइड है तो सिन, सिन एल्डोक्साइन या सिन इथेनल ऑक्साइन, ठीक है, सिन एल्डोक्साइन। और यहाँ एच और OH ऑपोजिट साइड है तो आप इसको कहते हो एंटी, सिन और एंटी। क्लियर, समझ में आया सिन और एंटी? यस मैम। नाउ मैं नेक्स्ट पेज पे आ जाऊं, रिटर्न सब पे अनिकेत, हाँ लिख लो लिख लो। Now return. Yes. Okay. अच्छा ठीक। अब हम लोग बात करते हैं कीटोन्स की। Let's say इधर मेरे पास सी एच थ्री था C, और सी एच टू सी एच थ्री डबल बॉन्ड N, इधर लोन पे इधर OH। और पहले इसका एक ना वो वाला भी बना दो जिससे कि आप पहले बोलो कि यहाँ तो होगा ही नहीं, चलो वो वाला बाद में करते हैं, पहले यही बात समझाती हूँ। अच्छा अब बच्चों मैंने कहा था कि एच और OH सेम साइड हो तो सिन, एच और OH ऑपोजिट साइड हो तो एंटी। तो एल्डोक्साइन में तो ये पॉसिबल है बिकॉज एल्डिहाइड वाले के अंदर सी एच ओ वाला एच होता है, इधर एच होता है इधर, तो आप देख सकते हो। नाउ यहाँ तो समस्या इज एच ही नहीं है, तो अब क्या करो, तो अब आप कुछ मत करो OH को देखो, OH के साथ सामने क्या है सेम वाली साइड पे इथाइल, तो आप इसका नाम बोलोगे सिन पर तो है इथाइल, सिन पर इथाइल है, बचा क्या जो ग्रुप बचा है मिथाइल और फिर कीटोक्साइन, कीटोक्साइन ऐसे। एक और एग्जांपल बना देती हूँ इसका, और अच्छा और इसका ना एक और नाम भी होता है, सॉरी बच्चों मैं नाम लिखना भूल गई, OH के ऑपोजिट मिथाइल है तो आप इसको एंटी पे मिथाइल है, बचा हुआ ग्रुप क्या है इथाइल कीटोक्साइन,
ठीक है। और अब मैं आपको इसके दो तीन एग्जांपल्स लिख देती हूँ फटाफट से, ठीक है। दो तीन एग्जांपल्स जो हम लिख सकते हैं, मैं आई एम राइटिंग डाउन मिथाइल सी, और यहाँ कर देते हैं पीएच, इट मींस फिनाइल। या तो पीएच लिखा होता है बच्चों, और अगर पीएच ना लिखा हो ना तो वो ऐसे करके होता है। इसके भी दोनों नाम बताना हाँ, सिन वाला भी और एंटी वाला भी। जैसे अगर मैं आपको सामने सामने बोलूं सिन फिनाइल इथाइल कीटोक्साइन, या फिर एंटी इथाइल फिनाइल कीटोक्साइन, एक नाम हो गया। और बस यही है। OH के विद रिस्पेक्ट देखते हैं, दिस इज अपना सिन और एंटी। ओके सो ये वाले कर लेना प्लीज, इसके नाम लिख लो। हम अब इसके बाद आज की क्लास यहाँ ओवर करते हैं।